मेरा नाम है राय खुर्रम और अजरबैजान बाकू में मैं तकरीबन 8-9 साल से होता हूँ। एक्चुअली एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि जो अजरबैजान बाकू में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, वीज़ा लेने के लिए, तो वो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, कंपनी के बिहाफ पे वो एक साल की TRC लेते हैं, बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं, अपना कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, अपने टैक्सेस पे करते हैं, तो उसके बाद उनको वीज़ा लेना आसान हो जाता है। तो ये इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दूंगा कि जैसे साइंस एक किसी चीज़ पे, किसी बीमारी पे, सपोज दैट वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सर दर्द के लिए वो एक दवा बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और उसका एक्सपेरिमेंट 10 लोगों पे वो करते हैं। एक्सपेरिमेंट 7 लोगों पे सक्सेसफुल रहता है, एक बंदा जो उसको रिएक्शन हो जाता है और 2 बंदों रिएक्ट नहीं करते, तो साइंस उसको सक्सेसफुल देती है कि वो समझती है कि ये सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल कैसे? क्योंकि उसकी जो सक्सेसफुल रेशियो है वो ज़्यादा है, 7%, यानी 70%। तो वो इस वजह से वो कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुल है। ये मैंने इस वजह से बताया था कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में यूरोप का, अमेरिका का वीज़ा लेना बहुत हार्ड है, वहाँ की निस्बत यहाँ थोड़ा आसान है। आसान कैसे है कि जब आप यहाँ पे आते हैं, बिजनेस करते हैं, कंपनी रजिस्टर करते हैं, अपना बैंक मेंटेन करते हैं और अपने कंपनी के टैक्सेस पे करते हैं, तो आपकी कंपनी की एक वर्थ बन जाती है, आपके बिजनेस करने का एक इमेज बन जाता है, आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो मेंटेन होता है, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन होता है। तो वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है कि ये बंदा अपने कंट्री से यहाँ पे आया है, बिजनेस कर रहा है, इसका बिजनेस इधर है, अच्छी खासी इसकी इनकम है, अच्छा खासा इसका बिजनेस है, तो आप विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इधर अपने बिजनेस को रन करने के लिए वापस आएंगे, तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाता है। इस वजह से मैंने इसको सक्सेसफुल करार दिया था, ना कि ये इसका मतलब है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग इस वीडियो के बिहाफ पे आएँ या एजेंट हजरात उनको ये सोचकर इधर लेकर आएँ कि वहाँ से 100% वीज़ा मिलेगा और वो बाहर चले जाएंगे, यूरोप चले जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना, ऐसा मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा, ठीक है? क्योंकि किसी का पैसा मेरी वीडियो की वजह से या किसी और की वीडियो की वजह से ज़ाया हो वो मैं भी नहीं चाहता और आप खुद भी नहीं चाहेंगे। तो मेरे बात करने का मकसद ये था कि जो बिजनेस, जो जेन्युइन बिजनेस करने वाले हैं, जो बिजनेस अर्न करने वाले हैं, देखें परदेश में बंदा किस लिए आता है, बिजनेस पैसा कमाने के लिए। तो जब आप यहाँ अजरबैजान में अच्छी खासी इनकम कमा रहे होंगे तो आपको आगे जाने की, फिर स्किप होने की क्या ज़रूरत है, जब आप किसी कंट्री में जाएं, अपना विजिट करें और वापस आएं। लेकिन ये दिल में मत रखिएगा कि आपको 100% वीज़ा मिलेगा मेरी वीडियो की बिहाफ पे। मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन रखिए, अपने कंपनी के टैक्सेस पे कीजिए, अपने कंपनी अकाउंट को मेंटेन कीजिए, अपने पर्सनल अकाउंट को मेंटेन कीजिए, और उसके बाद आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्न कीजिए, अपने बिजनेस को टाइम दीजिए, बिजनेस में अपना पैसा कमाएं, उसके बाद आप अप्लाई करें। तो वीज़ा ऑफिसर के लिए तो ये चीज़ वैसे ही एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि ये बंदा अपने कंट्री से आके यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, डॉलरों में पैसा कमा रहा है, अच्छी खासी अर्निंग है इसकी, तो ये हमारे कंट्री में जस्ट विजिट के लिए जाएगा 5-10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 20 दिन के लिए, तो ये डेफिनेटली वापस आएगा अपना बिजनेस रन करने के लिए, अपनी ये जो अर्निंग इधर कर रहा है इसके लिए वापस आएगा, तो वो प्लस पॉइंट उसके लिए होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई यहाँ पे एजेंट हजरात पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से लोगों को यहाँ पे लेकर आएँ, उनको लूटें और उनको ये झांसा दें कि जी आप वहाँ पे ये देखें, ये ऐसे है, ऐसे है, तो वो उनको अच्छे ख्वाब दिखा के फिर वो उनका मिसयूज़ करेंगे। तो ये मेरा मतलब हरगज़ नहीं है। तो जो लोग ये सोचकर एजेंट हजरात के थ्रू ऐसे आएंगे वो डेफिनेटली लॉस में होंगे, चीटिंग उनके साथ लाजमी होगी। तो मेरा आप लोगों को बरादराना मशवरा ये है कि जो अजरबैजान में आना चाहता है वो बिजनेस करे, बिजनेस के लिए आए, पैसा कमाने के लिए आए, उसके ऊपर वर्कआउट करे, ना कि वो इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करे कि ये मैंने जाना ही आगे है, जितने पैसे लगते हैं लगने दो, लॉस होता है होने दो, एंड पे वो फिर
हम जैसे वीडियो बनाने वालों को बुरा भला कहें तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। हमारा मकसद इन्फॉर्मेशन देना होता है, आपको गाइड करना होता है कि आप अपने कंट्री में बैठ के एटलीस्ट आने से पहले आपको पता हो, नॉलेज हो कि हमने जाना है, बिजनेस क्या करना है, काम क्या करना है, कैसे उस पर वर्कआउट करना है और क्या क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप अजरबैजान में आएँ, आप अपना माइंड बनाकर आएँ कि हमने वहाँ पे बिजनेस करना है।